को माफ होगा निश्चित तौर पर। 10 मिनट टोटल समय बनाम बरेली के बीच दीजिएगा। दोनों टीमें सहमत है, कोई अन्यथा जो है टाइम पूरा ठीक है। चलिए टीमें चाहती है 10 मिनट चला कोई बात। 869 नंबर, क्या ये पहला रेड कुछ पॉइंट लेकर आएगा, खाता ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पर मौका नहीं है। रेडर आउट जौनपुर और बरेली के बीच मैच आप देख रहे हैं। चलिए 11 नंबर विजय सिंह रेडर इस समय रेड करता हुआ बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन इस समय चल रहा है। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था मुजफ्फरनगर बनाम जौनपुर, दर्शकों को दिल को जीत लेने वाला मैच था निश्चित तौर पर। 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ, आज 2 पॉइंट जौनपुर और बरेली 0। इसके बाद कौन सा मैच है, इसके बाद कौन सा मैच है? लाला इस समय लाला गए हैं रेड करने के लिए। 3 नंबर की जर्सी में क्या लाल टीम के लिए पॉइंट लेकर आएंगे? यस, लेकिन बोनस का प्रयास किया है। हेलो यस, बोनस का इशारा आता हुआ, इसी के साथ अकाउंट ओपन हो चुका है। बरेली चलिए इस समय रेडर रेड करता हुआ करता हुआ करो या मरो, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ इस दो आर आई की सिचुएशन में रेडर ने 1 पॉइंट का और इसी के साथ पॉइंट जा पहुंचा 4-1। 3 अंकों के लीड और 10 मिनट का टोटल मैच है। इस सब मुकाबला चल रहा है का सुपर टेकल आन है, क्या इस सुपर टेकल की सिचुएशन में शिकार बनाएगी टीम, और यहाँ पर कोई मौका नहीं। इसी के साथ 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ, एक तनहा चिराग टिमटिमाता हुआ, चिराग क्या अपने लव को बुझाएगा ये खिलाड़ी? या जिस तरीके से मुजफ्फरनगर 2-3 बार प्रयास किया, ऑल आउट को बचाया था निश्चित तौर पर, एक कड़ी संघर्ष की थी इससे पहले, लास्ट तक जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया निश्चित तौर पर जौनपुर के सामने। और ये देखिए, ये है खिलाड़ियों का टाइलेंट, एंकल होल्ड की महारत इस समय। यस, दोनों टीमों के लिए 1-1 पॉइंट। 3 रन आउट हो, जी हार आउट हुआ था सॉरी। चलिए इस समय रेडर करता, और ये देखिए जबरदस्त पकड़, तो इस समय 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ। इसी के साथ हाफ टाइम समाप्ति पर स्कोर 10-3 7 अंकों के लिए है, और प्रयास कर रहा है बोनस का। एक से बढ़कर एक मैच कलेक्ट करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, रेस्ट दिया जा रहा है। उदित का नंबर आएगा जब उनके सामने पेशेवर टीम होगी, तो इसलिए अभी उदित को रेस्ट। चलिए 2 नंबर की जर्सी में रेडर इस समय रेड करता हुआ, ये देखिए टीम, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए अंकित जी, अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जब 10 मिनट के 5 मिनट किया तभी समझ गया था जी बिल्कुल, और खेल को जोश में खेलना चाहिए हमेशा भी, क्योंकि कभी ना कभी आज जो उदित रेड कर रहे हैं कभी ना कभी ये भी सीख रहे होते हैं, लेकिन एक हौसला एक जज्बा खेलने का आज उनको रंग लाया है निश्चित तौर पर। चलिए तो इसी के साथ जौनपुर की टीम जीत चुकी है 14-5, 9 पॉइंट से जीत अर्जित किया बरेली की। कौन सी टीम है? इटुआ वर्सेस दिल्ली, ये दिल्ली की टीम आप देख रहे हैं और इधर इटुआ की टीम है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। दिल्ली और इटुआ के बीच मुकाबला है, कदम का रेट करता है पॉइंट, लेकिन पैर में चोट आया है जिसके कारण ही हम रेड पर विश्वास जताया है। 2 हो चुके हैं शायद, नहीं है ये पॉइंट भी अभी। रेडर रेड पर, रेडर रेड पर है, किक लगाया और सीधे चेहरे पे पड़ी और गजब का किक निश्चित तौर पर
खिलाड़ी समझा कि टैकल की किक जबरदस्त था। अखंड और अंकित एक तरफ मैच का आनंद ले रहे हैं कुर्सी पे बैठकर, इधर रेडर रेड पर क्या पॉइंट लेकर जाएगा यह खिलाड़ी जी हाँ, ये एम्प्टी रेड शायद है। रेडर रेड पर दिल्ली अच्छे खिलाड़ी हैं। बोनस कौन है, क्या बोनस लेगा एक इजी नहीं बेचना। थर्ड रेड है, डू एंड डाई डू एंड डाई, पांच खिलाड़ी हैं, बोनस है नहीं, डू एंड डाई, रेडर जाएगा पे दिल्ली। बोनस अटेंड करना चाहते थे लेकिन बोनस के आसपास नजर भी आए थे, आसिफ बाहर है कि अंदर है तो बताएंगे। पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक उंगलियां एक हवा में थी, नजर में था। रेडर रेड पर क्या पॉइंट लेकर जाएगा एक खिलाड़ी, इसके पहले इन्होंने डुबकी ही लगाना चाहा लेकिन इस बार और दिल्ली चार और तीन है, इटवा एक से लीड कर रही है दिल्ली, लेकिन इस बार इटवा का कमाल होगा। तीन पॉइंट सुपर रेड, तीन पॉइंट पूरा झापर मचाए दे रहे हैं। रेडर रेड पर पूरे ग्राउंड पे खिलाड़ी दौड़ा और लास्ट में उसको मिली जीत, पॉइंट मिला। शायद एमटी रेड पर विश्वास जताएंगे क्योंकि जाएंगे भी तो उनका काम तमाम वहां हो, इसलिए सोचेंगे बोनस लेकर जाएं। टाइम बताने के लिए पूछ रहा हूं, 25 से स्टार्ट हुआ था 25। क्या राजा ऑल आउट हो चुकी है, पॉइंट है 10 और 3। विष्णु विष्णु बीच में कवर पे को भी चोट आया, दिल्ली का रेडर रेड पर शायद रेडर को मिलेगा, बिल्कुल रेडर बेंच पे जाएगा, आप थे आप बिल्कुल रेड पर। इटवा दिल्ली के खेमे में खेलता हुआ काफी एक बार जैसे लोगों को लग रहा था कि शायद एक तरफा मुकाबला ऐसा कुछ नहीं, इटवा खेलती हुई इस बार पॉइंट मिला है दिल्ली को। स्कोर है 11 और 4, 11 है दिल्ली और इटवा है 4। रेडर है रेड पर, क्या पॉइंट लेकर जाएगा ये खिलाड़ी जी हाँ, ये लगभग लास्ट रेड यहाँ डुबकी लगाना चाहते थे बैठ कर ले और यहाँ से समय समाप्त, हाफ टाइम हो चुका है, हाफ टाइम के स्कोर जो है 5 और 11, 11 दिल्ली 5 है इटवा, 20 और 15 सोलापुर सरजमी पर संजीत यादव उर्फ मतई यादव जी की तरफ से रहेगा। अगले सीजन इस सीजन का तो मैच खत्म हो चुका है, फिलहाल रेडर रेड पर विष्णु, क्या पॉइंट जी नहीं, इस बार हमती भी रेड नहीं कर पाए हैं। किक लगाया जा रहा था, बार बार अजमाई जा रही है, इस बार पॉइंट लाया है खिलाड़ी, 2 पॉइंट, चलिए इटवा का 2 पॉइंट जी। नो क्रॉस लीजिए, थर्ड रेड है, अब समझ में आया दो एंड आई है, पीछे हट जाओ वरना नो क्रॉस कर दिए थे, खत्म सटकाइए अटकाइए जरूर। बोनस प्लस 1 पॉइंट, कुछ
इटावा वाले का हौसले का सलाम, जिन्होंने जो हौसला दिखाया, दिल्ली से कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं खेलूंगा तो दिल्ली से खेलती हुई इटावा, कोई शर्मिंदा वाली हार लगी है लेकिन डुबकी लगाना चाहती, बस कर दिया है, लीजिए नो क्रॉस कर दिया है, कट रही है नो, दो पॉइंट, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट। आसिफ, आसिफ गए हैं रेड पर, आसिफ एक पॉइंट, आसिफ जोशी, बता दूं 19 और 8 बेडर रेड पर। अच्छा ये इटावा दर्शकों को आनंद आ रहा है क्योंकि पॉइंट बराबर आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट नहीं आते मुबारक है, हरा ध्यान दिया, शायद यहां से दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया है। अच्छा खेली है इटावा, इटावा वाले कम कम ताली बजाए, दूसरा क्यों ना बजा होता, हां बहुत बहुत लाइन मैन दोनों तरफ से एकदम तैयार रहिएगा, टॉस होने जा रहा है, दो लाइन मैन टॉस जीता है दिल्ली ने और कोर्ट चूज किया है, सुनाएगी चलिए इस समय पहला रेड एक नंबर की जर्सी में निश्चित तौर पर अड़सठ, एक लंबे गति के खिलाड़ी प्रतापगढ़ की जान इस समय रेड करता हुआ पश्चिमी छोर पर, यस इस समय रेड अड़सठ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लंबाई अच्छी है, अगर टच करते हैं तो मिडलाइन को छोड़ना इनके लिए आसान होगा, लेकिन यहां पर कोई मौका नहीं पर गया है और अकाउंट ओपन हुआ है दिल्ली का निश्चित तौर पर एक पॉइंट, तो प्रतापगढ़ स्टेडियम इस समय सामने और दिल्ली, चलिए रेडर आठ नंबर की जर्सी में इस समय प्रतापगढ़ स्टेडियम से खेल रहा है, इस समय रेडर क्या टच पॉइंट लाएगा, यस यस एक पॉइंट का इशारा, प्रतापगढ़ की टीम ने अपना खाता ओपन कर दिया है एक और एक, निश्चित तौर पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने का संभावना कर रहा है दोनों टीमों के बीच, तो इस समय रेडर वेट करता हूं, यस पॉइंट का सारा आता हुआ, तो हम किसी से कम नहीं, दिल्ली वाले अगर अपना दिल लेकर आए हैं दिल्ली से तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ है इनके अंदर, यस देखिए एक से बढ़कर एक, तो है टैलेंट दोनों टीमों के अंदर, पॉइंट लेने का जज्बा और जुनून दोनों टीमों के अंदर है, तो इस समय पॉइंट की बात की जाए तो दो और दो इक्वल पॉइंट, दोनों टीमें बराबर उस समय, है कि भाई अगर आप दिल्ली फिर आए तो हम प्रतापगढ़ ही है, निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट के लिए जूझ यहां पर, तो यस एक पॉइंट का इशारा आता हुआ कि बिल्कुल, तो यहां पर बदला हम किसी से कम नहीं, एक एक पॉइंट की मार चल रही है, लाइव प्रसारण चल रहा है, अनिरुद्ध शो पर जाइए और लाइव में देखिए, निश्चित तौर पर 25-26 का रेड हुआ है, तो इस समय रेडर आठ नंबर की जर्सी में, अब बहुत ही क्या गजब का रेडर है, क्या गजब का, तो इस समय रेडर दिल्ली, तो कहीं ना कहीं पॉइंट की बात की जाए तो चार और दो, चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच चल रहा है इस समय, 5 पॉइंट है प्रतापगढ़ का और 2 पॉइंट है दिल्ली का, चलिए सुपर डेगलान 10 नंबर की जर्सी में रेडर और बैक किक आजमाई जा रही है, सुपर डेगलान है क्या इस सुपर टेकल की सिचुएशन में फंसेंगे या फंसाएंगे, देखने वाली बात होगी, रेडर वेट करता हूं
और चलिए ये पीरियड दो अढ़ाई दो अढ़ाई चलिए रेड अलर्ट करता हुआ कोई लाइफ लाइन है तो बोनस के चलिए सेल्फ आउट चलिए रेडर आउट रेडर आउट दो अढ़ाई चलिए नंबर के हिसाब से मरोड़ा से मरोड़ करता हुआ दो दो अढ़ाई सिचुएशन में एक पॉइंट का इशारा था हुआ यस तो क्या खूबसूरत ढंग से चल रहा है खेल इस आठ ये देखिए रेडर आउट थ्री पॉइंट का इशारा ऑल आउट हो गई पूरी टीम शुरुआती क्षण में ही ऑल आउट का दर्श इस समय झेल रही है दबंग दिल्ली दिल्ली इस समय शुरुआती क्षण में धराशाही अपने आप को संभालना होगा दिल्ली वालों अगर यहाँ के दर्शकों का दिल जीत के जाना है तो निश्चित तौर पर ये कोई कारनामा दिखाना होगा यस पॉइंट का सराता हुआ सात नंबर की जर्सी में रेडर इस समय रेड करता हुआ चलिए एक बार फिर आठ नंबर की जर्सी में देखिए अकेले के बल पे डांस करना आसान नहीं है निश्चित तौर पर एक देखने को मिल रहा है क्या फुर्तीले ढंग से चलिए रडर आउट बहुत ही साठ नंबर की जर्सी में निश्चित तौर पर कमाल किया है अभी तक क्या जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल यस स्वीकार कर लिया है खिलाड़ी ने निश्चित तौर पर यस टचर आउट यही पहचान है खिलाड़ी कि हमको अगर टच किया गया तो अपने आप को स्वयं बता दें ईमानदारी का खेल होना चाहिए कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही कमर इतनी जबरदस्त है कि ये देखिए क्या जबरदस्त पकड़ है लाजवाब कैच उनका एक जबरदस्त और यस से पॉइंट बाइस हराता हुआ पांच और पंद्रह दस अंकों की लीड हो चुकी है समय को पहले हाफ में एक जबरदस्त लीड लाजवाब कैच गजब का टैलेंट लास्ट रेड हाफ टाइम का लास्ट रेड चलो हाफ टाइम समाप्त हाफ टाइम समाप्त सुपर रेड हुआ था चलिए उन्नीस और पांच हाफ समाप्त ख्वाहिश से ग्राउंड पर ही वापसी करें निश्चित तौर पर अगर वहां से चल कर आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिभा दिखाए जितना दमखम है तो सब लगा दे तो यस एक पॉइंट का इशारा होता है यही कुछ करना होगा अगर पॉइंट को कवर करना है तो निश्चित तौर पर इस काम करना होगा तो अर्शद इस समय रेड पर है लंबे कद के खिलाड़ी और यस रेफरी के निर्णय का इंतजार चलिए अपने आप को उन्होंने बताया कि मैं आउट हूं खिलाड़ियों की पहचान यही है कि रेफरी से पहले अपने आप को बता दें कि मैं टच हुए हैं निश्चित तौर पर इस समय रेडर रेड करता हुआ ये देखिए निश्चित तौर पर जितनी तारीख चौवन नंबर जर्सी जबरदस्त प्रतापगढ़ काफी हावी नजर आ रही है हर मामले में रिकॉर्ड गिर रहा है दो पॉइंट का इशारा आता हुआ टीमें बराबर है चाहे वो दिल्ली हो चाहे प्रतापगढ़ हो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे बीच इतनी दूर से चल कर आए हम आपका बंदर इस्तकबाल करती है पूरी कमेटी पूरी ऑफिस बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों टीमों ने दिखाया निश्चित तौर पर।